हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवीज़ बोल्ट। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लास्ट डिकेड में रिलीज हुई 9 सबसे बेस्ट मूवीज़ की, यानी पिछले 10 साल में जो 9 सबसे बेस्ट मूवीज़ रिलीज हुई हैं उन मूवीज़ के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। अगर हम इस वीडियो के अंदर पिछले 10 साल की मूवीज़ की बात करने वाले हैं तो इसका मतलब ये है कि इस वर्ष के अंदर जो मूवीज़ होंगी वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी और बहुत से लोगों ने उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया होगा। इस वर्ष की मोस्ट ऑफ द मूवीज़ हिंदी में ही अवेलेबल हैं, तो आपको इन मूवीज़ को समझने में कोई भी समस्या नहीं होगी। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी 9th मूवी एवेंजर्स एंड गेम जो आई थी 2019 में, एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई एवेंजर्स की, जो लोग थैनोस नाम के एक बहुत खतरनाक एलियन को रोकना चाहते हैं क्योंकि वो पूरे ब्रह्मांड की आधी आबादी को खत्म करना चाहता है। एवेंजर्स उसको कैसे रोकते हैं वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। इस मूवी को समझने के लिए आपको इससे पहले आई हुई 22 मार्वल की मूवीज को देखना होगा, उसके बाद ही आप इस मूवी को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। MCU की सभी मूवीज हिंदी में अवेलेबल हैं, तो आप बड़े ही आराम से इन मूवीज को देख सकते हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। इस मूवी को रेटिंग 8.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी 8th मूवी अराइवल जो आई थी 2016 में, ये एक ड्रामा साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई एलियंस की, जो अचानक से पृथ्वी के ऊपर आ जाते हैं और इनके बहुत सारे स्पेसशिप्स पृथ्वी के अलग अलग कोने में अलग अलग देश में जाकर लैंड होते हैं। बहुत से लोग इनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं लेकिन सारी कोशिश विफल हो जाती है। कोई भी इनसे कॉन्टेक्ट नहीं कर पाता क्योंकि इनके पास कोई ऐसा जरिया नहीं है जिसके जरिए ये उन एलियंस की भाषा को समझ सकें, जिसके बाद एक बहुत ही मशहूर बहुत इंटेलिजेंट लिंग्विस्टिक को हायर किया जाता है, यानी वो जो नई भाषाओं को समझ सकती है उसको हायर किया जाता है ताकि वो आके इन एलियंस की भाषा को समझ सके और मदद कर सके US मिलिट्री की जानने में कि आखिर ये लोग यहाँ पे क्यों आए हैं, क्या इनका मकसद हमला करने का या कुछ और, वो तो आप इस मूवी के अंदर ही देखिए। ये मूवी इंग्लिश में अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। इस मूवी को रेटिंग्स 7.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी डेंजो अनचैंड, ये मूवी आई है 2012 में, ये एक ड्रामा वेस्टर्न मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई उस समय की, जब ब्लैक लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार किया जाता था, उन्हें जानवरों की तरह रखा जाता था, उन्हें बेचा और खरीदा जाता था। और उन्हीं सभी ब्लैक लोगों में से एक था हमारी मूवी का हीरो, जिसकी हालत भी बहुत ज्यादा बुरी थी, लेकिन एक जर्मन बाउंटी हंटर उसको रिलीज कर देता है और उसकी मदद करता है ताकि वो अपनी वाइफ को एक बहुत खतरनाक बहुत ब्रूट वल प्लांटेनियन ऑनर से बचा सके, जो इसकी वाइफ की बहुत बुरी हालत कर रखा है और उसे हर समय सताता रहता है। ऐसे में हमारा हीरो किस तरह अपनी वाइफ को बचाता है वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे। इस मूवी को रेटिंग्स 8.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी हेरिडिटरी जो आई है 2018 में, ये एक ड्रामा हॉरर मिस्ट्री मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई एक फैमिली की, जिस फैमिली की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है क्योंकि इस फैमिली में जितने भी फैमिली मेंबर हैं उनके बिहेवियर्स काफ़ी ज़्यादा अजीब हैं। साथ ही साथ इस फैमिली में एक ग्रैंडमा थी जिनकी डेथ हो गई है, लेकिन जब से ये ग्रैंडमा छोड़ के गई हैं तब से ये अपनी बेटी को हर समय दिखती रहती हैं अजीब अजीब रूपों में, और साथ ही साथ इस फैमिली के साथ बहुत सी अजीब चीज़ें होने लगी हैं उनके जाने के बाद से। आखिर पूरी सच्चाई क्या है और क्या हो रहा है इन लोगों के साथ और ये लोग इससे कैसे बचते हैं वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी Amazon Prime Videos पे इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है, आप इसको वहां पर देख सकते हैं। इस मूवी को रेटिंग्स 7.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट जो आई थी 2013 में, ये एक बायोग्राफी कॉमेडी क्राइम मूवी है। ये मूवी असली घटना पे आधारित है, ऐसा एक्चुअल में हुआ था। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई हमारी मूवी के हीरो की, यानी जॉर्डन बेलफोर्ट की, जो कि शेयर मार्केट में बहुत सारा घपला करते हैं, बहुत सारी चोरी करते हैं स्टॉक ब्रोकरेज के नाम पे, लोगों को बेकार और घटिया शेयर्स बेचते हैं, उनसे बहुत सारे पैसे ऐंठते हैं और बहुत ज़्यादा अमीर बन जाते हैं। उन्हीं की लाइफ स्टोरी इसके अंदर दिखाई गई, साथ ही साथ उनका डाउनफॉल भी दिखाया गया, कैसे वो पकड़े गए थे और उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा था। ये मूवी इंग्लिश में अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं प्राइम वीडियोस पे। इस मूवी को रेटिंग्स मिले 8.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी इंसेप्शन जो आई थी 2010 में, ये एक एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी को तो इस लिस्ट में होना ही था क्योंकि ये मूवी है ही बहुत कमाल की। इस मूवी के अंदर एक बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट को यूज़ किया गया है, जो इससे पहले शायद किसी और मूवी के अंदर ना यूज़ किया गया हो। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई हमारे मूवी के हीरोज़ की, जो लोग चोर हैं, लेकिन ये लोग कोई नॉर्मल चोर नहीं है, लोगों के सपनों के अंदर जाके चोरियाँ करते हैं, उनके दिमाग से आइडियाज़ चुराते हैं और नए आइडियाज़ प्लांट करते हैं उनको बेवकूफ़ बनाकर। और इस बार इनको एक बहुत बड़ा मिशन मिला है जिसमें इनको सपनों की गहराइयों में बहुत दूर तक जाना है ताकि ये लोग अपने एक बहुत बड़े मिशन को कंप्लीट कर सके। आगे क्या होता है आप इस मूवी के अंदर देखिए। मूवी हिंदी में अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं प्राइम वीडियोस पे। इस मूवी को रेटिंग्स 8.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी इंटरस्टेलर, ये मूवी आई थी 2014 में, ये एक एडवेंचर ड्रामा साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई इंसानों की, जो लोग पृथ्वी के ऊपर अब ज्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि पृथ्वी की जमीन पूरी तरीके से बंजर हो गई है, यहाँ पे अब खेती नहीं हो सकती, यहाँ का एनवायरमेंट भी बहुत ज्यादा
ज़्यादा ख़राब हो गया है। इसी वजह से पूरी पृथ्वी, सभी इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन इसी बीच एक वॉर्म होल खुलता है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, जो पृथ्वी से थोड़ी ही दूरी पर है, जहाँ पर इंसान जा सकते हैं और नए प्लैनेट की खोज कर सकते हैं। लेकिन अभी तक किसी को यह नहीं पता कि उस वॉर्म होल के पार एक्चुअल में है क्या, वहाँ पर कोई ऐसा प्लैनेट है जो गोल्डीलॉक्स जोन में है, जहाँ पर जीवन संभव है या नहीं। यही सब जानने के लिए नासा वाले भेजते हैं अपने कुछ एस्ट्रोनॉट्स को उस वॉर्म होल के पार, ताकि ये लोग जाके वहाँ पर देख सकें क्या वहाँ पर जीवन संभव है या नहीं। साथ ही साथ नासा को और किसी को ये नहीं पता कि ये वॉर्म होल एक्चुअल में यहाँ पे किसने बनाया। सडनली ये वॉर्म होल प्रकट हो गया था, तो वो भी आप इस मूवी के अंदर देखिए कि आखिर किसने इस वॉर्म होल को बनाया है। ये मूवी इंग्लिश में अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं प्राइम वीडियोस पे। इस मूवी को रेटिंग्स 8.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी मैड मैक्स फ्यूरी रोड जो आई थी 2015 में, ये एक एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई पोस्ट एपोकलिप्टिक वेस्टलैंड वर्ल्ड की, जहाँ पे अब पृथ्वी लगभग बर्बाद हो चुकी है, बहुत कम इंसान बचे हैं, पूरी पृथ्वी बंजर है और पानी के लिए लोग मरते रहते हैं, लोगों के पास खाने के लिए पीने के लिए सामान नहीं है। लेकिन एक बहुत बुरा, बहुत निर्दय आदमी जिसके पास सारी चीज़ें हैं, पानी भी है और खाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो इन चीज़ों को लोगों को देना नहीं चाहता, क्योंकि वो एक डिक्टेटर है। वो किसी और को जीने नहीं देना चाहता, वो सिर्फ अपने लोगों को जीने देना चाहता है। ये ज़बरदस्ती लोगों को बंदी बनाता है, उनसे काम करवाता है। उन्हीं सब में कहानी दिखाई गई हमारी मूवी के हीरोज़ की, जो लोग भी बंदी होते हैं लेकिन वो लोग किसी तरह इसके चंगुल से बचकर भाग जाते हैं, जिसके बाद हमारे मूवी के विलन की आर्मी पड़ जाती है हमारी मूवी के हीरोज़ के पीछे। वो केवल इनके पीछे इसलिए नहीं पड़ी कि ये लोग भाग रहे हैं, वो लोग इनके पीछे इसलिए भी पड़े हैं क्योंकि ये लोग उस डिक्टेटर की तीनों पत्नियों को भी लेकर भाग रहे हैं, आई थिंक 3 या 4 पत्नियों उनको लेकर भाग रहे हैं, जिसकी वजह से वो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। ऐसे में वो लोग किस तरह उससे बचते हैं, वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं प्राइम वीडियोज़ पे। इस मूवी को रेटिंग्स 8.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी गेट आउट जो आई थी 2017 में, ये एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई यंग अफ्रीकन अमेरिकन की, जिसकी गर्लफ्रेंड वाइट होती है और वो अपनी वाइट गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाता है उसके पेरेंट्स के घर, ताकि ये लोग जाके वहाँ पर अपने वीकेंड्स बिता सकें। लेकिन जब ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, तो वहाँ पर इस लड़के के साथ बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएँ होना शुरू हो जाते हैं। इस मूवी के अंदर आपको कोई भूत नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी ये मूवी आपको अंदर तक हिला कर रख देगी और आपको अपने अमेजिंग कॉन्सेप्ट के साथ चौंका कर रख देगी। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। इस मूवी को रेटिंग्स मिले 7.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। और डेफिनेटली आपको इस तरह की कमाल की हॉरर मूवी देखनी चाहिए, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। हमारी फर्स्ट मूवी द सोशल नेटवर्क जो आई थी 2010 में, ये एक बायोग्राफी ड्रामा मूवी है। ये मूवी किसके ऊपर बेस्ड होगी, हो सकता है आपको पता लग गया हो। ये मूवी बेस्ड है फेसबुक के सीईओ और फाउंडर के ऊपर, मार्क जकरबर्ग के ऊपर। उनकी लाइफ स्टोरी इस मूवी के अंदर दिखाई गई है। अभी तक हमने सुना था कि मार्क जकरबर्ग ने कितनी मेहनत की, कितने सारे परिश्रम किए ताकि वो फेसबुक जैसी बड़ी कंपनी को बना सके। लेकिन क्या आपको पता है उन्होंने फेसबुक को बनाने के लिए कितने लोगों को धोखा दिया? नहीं तो इस मूवी को देख के आपको पता लग जाएगा। इस मूवी के अंदर मार्क जकरबर्ग की लाइफ की हर एक चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया। इस मूवी के अंदर कोई भी चीज छुपाने की कोशिश नहीं की, अगर उन्होंने कुछ बुरा किया है तो उसे भी इस मूवी के अंदर ढंग से दिखाया गया है। इसीलिए ये काफी कमाल की मूवी, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे। इस मूवी को रेटिंग्स 7.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।